नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पार्ट 6 का प्रश्नावली 6.3 शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 में लिखा है, पहला प्रश्न है, बताइए कि, देखिए आकृति दी हुई है, 6 आकृति दी हुई हैं, त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उन समरूपता कसौटियों को लिखिए जिनका प्रयोग आपने उत्तर में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन का पहला भाग देखते हैं। तो यह है पहला प्रश्न। पहले में देखिए दो त्रिभुज के बने हैं, एक ये रहा ए बी सी, ये है 60 डिग्री और ये है 80 और ये है 40 डिग्री। ठीक ना, इसके बाद एक दूसरा भी दिया हुआ है, पी क्यू आर भी दिया है, ये है पी क्यू आर और ये है 60 डिग्री, ये भी 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक ना, तो इसमें हमको प्रूव करना है कि ये त्रिभुज समरूप हैं या नहीं हैं। ठीक ना, तो देखते हैं, लेकिन दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं। ठीक ना, संगत कोण का मतलब जैसे ए का बी के संगत, मतलब ये 60 है तो ये 60, ये 80 तो ये 80, ये 40 तो ये 40। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए कोण ए बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री। ठीक ना, फिर कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है, इसी प्रकार ये कोण सी बराबर कोण आर बराबर 40 डिग्री। ठीक ना, तो ये देखिए इस दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं, तो हम लिख लेंगे ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यों हुए गए, तो लिखेंगे देखिए ए ए ए है ना, एंगल 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 या कोण 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। ठीक ना, कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक ना, तो ये पहला भाग है। इसी प्रकार दूसरे भाग को चेक करेंगे, तो दूसरे भाग में क्या आकृति है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है एक त्रिभुज बना है ए बी सी और ये है 2, 3 और 2.5, और इसके बाद ये बना एक, इसमें है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये है 6, ये 5 और ये 4। ठीक ना, तो अब देखिए इसमें कोण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मगर भुजाओं का देखिए भुजाएं दे रखी हैं। तो अब देखिए अगर मैं 3 का डबल कर दूं तो 6 हो जाएगा, 2.5 का डबल करूं तो 5 हो जाएगा, और 2 का डबल करूं तो 4 हो जाएगा। ठीक ना, मतलब देखिए यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं ए बी बटे क्यू आर, क्यू आर बराबर देखिए कितना आया, 2/4, मतलब 1/2 आया। ठीक ना, फिर बी सी को देखते हैं, तो लिखेंगे बी सी बटे पी आर, कितना हो जाएगा, 2.5/5, 2.5/5। तो देखिए अगर कटेगा तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो ये जाएगा 25/50, है ना, दशमलव एक स्थान के बाद नीचे उतर जाएगा, तो ये हो गया 25 एकम 25 दूनी, मतलब 1/2, ये भी आ गया। फिर क्या लिखा है इसमें, ए सी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे ए सी बटे पी क्यू बराबर 3/6, तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो देखिए 1/2, मतलब इन सभी के भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक ना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, अब देखिए ना ये क्रम से लेना होगा। ठीक ना, जैसे हमने इसमें ए बी सी लिया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं एवं, देखिए इसमें कैसे लिया, ए बी सी लिया है हमने, मतलब
पहले दो फिर ढाई है ना, तो दो के बाद ढाई फिर तीन लिया है, तो यहाँ देखिए दो का डबल क्या हो रहा है, चार हो रहा है, तो ये भुजा इसके संगत है, अनुपात बराबर है ना, इसके बटे ये अनुपात देखिए एक बटे दो आया है, तो हम लोग अब फिर ढाई का पाँच लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ भी ढाई दो का चार, चार का ढाई का डबल पाँच, तो हम लोग इस तरफ से चलेंगे, ठीक ना, संगत भुजा ही है, तो लिखेंगे ये देखिए ए बी सी लिया है हमने, तो दो से ढाई में मतलब दो से ढाई की तरफ गए हैं, तो हम लोग दो का डबल चार और ढाई का डबल पाँच, मतलब चार और पाँच की तरफ से चलेंगे, तो लिखेंगे क्यू आर पी, तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक ना, तो ये क्रम की जरूरत बहुत जरूरत होता है इसको लिखना, क्रम से ही लिखिएगा, ठीक ना, पी क्यू आर में ए बी सी में पी क्यू आर नहीं ले सकते, ठीक ना, क्योंकि ए बी देखिए हम अगर बोलें ए बी सी, ठीक ना, ए बी सी और यहाँ पे बोले हम पी क्यू आर, तो अगर हम ए बी को ले रहे हैं, देखिए ए बी है तो पी क्यू होना चाहिए, पी क्यू, तो दो के बटे अगर छः लिखेंगे और फिर बाकी भुजा बी सी के बटे क्यू आर लिखना होगा, तो क्यू आर ये क्यू आर, तो देखिए इसे कोई संबंध नहीं बनेगा, ठीक ना, इसलिए इनके संगत क्रम होना जरूरी होता है, ठीक ना, तो इसको लिखे ए बी सी एवं क्यू पी क्यू आर पी में, लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू, ठीक ना, इस प्रकार ये है, मतलब भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो लिख लेंगे इसको, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, अब क्यों है तो लिखे सभी भुजाओं का इसमें यूज हुआ है, तो ये लिखेंगे ये सब यस 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 है ना, यस साइड 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 या भुजा भुजा भुजा, लिखेंगे समरूपता कसौटी, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर एक के दो भाग हो गए, अब अगला भाग देखते हैं, अब तीसरा भाग में देखिए इसका तीसरा भाग क्या है, इसमें लिखा है आकृति बनी है एल एम पी, एल एम पी में 2.7 ये दो और ये तीन, और इसको बनाएंगे एक, ये लिखा है डी ई एफ, इसमें चार छः और ये पाँच, ठीक ना, तो देखिए इसमें कोण की बात नहीं है, तो भुजाओं का संबंध देख लेते हैं, अगर ये अनुपात समानुपात में होंगे, भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, देखिए इसमें अगर मान लीजिए दो का अगर चार भी कर लें हम, है ना, तो दो का डबल हुआ चार, मतलब एक बटे दो का संबंध हुआ, फिर तीन दूनी छः डबल है, तो इस हिसाब से इसका यहाँ डबल होना चाहिए था, ठीक ना, बाकी दो संबंध तो मिल रहा है, दो दूनी चार तीन दूनी छः और इसका डबल यहाँ होना चाहिए था, ठीक ना, तो इस प्रकार इसका ये डबल यहाँ नहीं हुआ, तो इसलिए बोलेंगे कि लिखेंगे दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं हैं, ये हो गया, अब चौथा भाग देखते हैं इसका, चौथे भाग में लिखा है यम एन एल, ये ढाई है ये पाँच है और ये 70, फिर यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर में ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 5 दिया है और ये 10 दिया है, ठीक ना, तो देखिए इसमें देखिए ये रहा कोण और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का माप दिया हुआ है, ठीक ना, ये कोण इन दो भुजाओं से बना हुआ है, ठीक ना, तो बोलेंगे इन दो भुजाओं के अंतर्गत कोण 70 डिग्री है, इसी प्रकार इसमें इस भुजाओं से और इस भुजा से ये कोण बना है, तो इन दो भुजाओं से के अंतर्गत कोण 70 डिग्री हुआ है, ठीक ना, तो देखिए अगर हम इस ढाई का डबल करें तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा और 5 का डबल करें तो 10 प्राप्त हो जाएगा, मतलब दोनों में संबंध है ना, समानुपात में वृद्धि या कमी है भुजाओं में,
और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण 70 है, तो इसमें भी दोनों भुजाओं के अंतर्गत 70 है ना, इन दोनों कोण बराबर है, तो इससे लग रहा है कि ये समरूप हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, अब देखिए किस हिसाब से लिखेंगे, पहले ये देखिए इधर से हम लिख रहे हैं ठीक ना, तो लिखेंगे एन एम एल, एन एम एल ए वम। अब देखिए इसको हमने लिखा है ढाई से पाँच की तरफ जाते हुए ठीक ना, ढाई से पाँच, तो ढाई का डबल क्या हुआ पाँच, और ये पाँच का डबल ये, तो हम लोग लिखेंगे इधर से पाँच से दस की तरफ जाएगा ठीक ना, जो क्रम होना चाहिए, जो इधर इसका क्रम है वही क्रम ये भी होना चाहिए ठीक ना। तो लिखेंगे ये पी क्यू आर, तो लिखेंगे एवं त्रिभुज पी क्यू आर में ठीक ना। तो लिखेंगे देखिए, देखिए कोण बराबर, इसमें कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण बराबर हो गया। अब इन दोनों भुजाओं का देख लेते हैं, लिखेंगे एन एम ठीक ना, एन एम ये वाला, तो इसमें कौन सा ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ठीक ना। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर, अब ये वाला देख लेते हैं, तो लिखेंगे एम एल बटे क्यू आर है ना, दोनों का बराबर है ये दोनों, तो देखिए एक कोण और ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो लिखेंगे त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ठीक ना। अब देखिए मैंने यहाँ एन एम एल से शुरू किया है, अगर किसी ने इसको ऐसे भी लिखा है, देखिए जैसे त्रिभुज, बस क्रम नहीं हटना चाहिए, एन एम एल लिखा है तो आप लिख सकते हैं एम एल एम एल फिर एन लिख सकते हैं, तो ये लिख लिया, ये हो गया त्रिभुज। तो हमने यहाँ शुरू किया, तो आप यहाँ से क्यू आर पी भी ले सकते हैं, क्यू आर पी ले सकते हैं ठीक ना। यदि किसी ने एल से शुरू किया है तो लिख सकता है एल एन एम है ना, एल एन एम ठीक ना। तो हम यहाँ इसको भी लिख लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू, देखिए आर पी क्यू है ना, चक्र में होना चाहिए, जिसको चाहे उसको आप ले सकते हैं। तो ये रहा, तीनों प्रकार से लिख सकते हैं ठीक ना, तो एकदम सही होता है ये, तो इसको लिख लिया। लिखेंगे क्या होगा, देखिए ये रही भुजा, ये रहा एंगल और ये रही भुजा ठीक ना। तो लिखेंगे यस ए एस समरूपता कसौटी ठीक ना। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो लिखेंगे ये त्रिभुज समरूप है, समरूप का चिन्ह ही दे दिया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पहले का चौथा हो गया। अब पांचवा देखते हैं इसमें, अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं, पांचवा भाग में है त्रिभुज। देखिए लिखा ए बी और सी, ये लिखा है 2.5 और ये 80 डिग्री और ये 3 दिया है, फिर एक त्रिभुज दिया इसका भी, ये 80 है, ये लिखा है डी ई और एफ, ये 6 और ये 5 दिया हुआ है ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इस कोण को बनाने वाली भुजा का ये मतलब ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है, और इसमें दोनों भुजाएं दी हैं जिसके अंतर्गत ये कोण बना है ठीक ना। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए, अगर ढाई का डबल 5 आपको दिख रहा है और 3 का 6 दिख रहा है, मगर ये इसके संगत कोण भुजाएं नहीं हैं ठीक ना। अगर इस कोण को, इस भुजा को बनाने वाली ये दो भुजाएँ हैं, तो इसका संगत या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ठीक ना, मतलब इस कोण को बनाने वाले दो भुजाएँ ये रहे। तो एक तरह से मान लें, अगर इसका ये डबल तो हो गया, मगर यहाँ पर ये 3 यहाँ होना चाहिए था, तो 3 का डबल 6 किए होते ठीक ना। तो देखिए अगर इसको बात करें, तो ये देखिए साइड एंगल, ये साइड तो बन रहा था, मगर इसकी बात करें तो यहाँ लिखा देखिए साइड साइड एंगल ठीक ना। तो इस प्रकार साइड साइड एंगल दिख रहा है और यहाँ साइड एंगल साइड दिख रहा है, तो इस प्रकार का ये कोई समरूप त्रिभुज नहीं बनता ठीक ना। तो इस प्रकार लिख लेंगे इसको कि ये समरूप त्रिभुज नहीं है। तो ये हो गया, संगत भुजाएं
बराबर होनी चाहिए, तो अनुपात बराबर होना चाहिए था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए था। तो लिखेंगे यह त्रिभुज या ये त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक ना। एक अंतिम भाग बचा है, छठवां देखते हैं। लिखा है डी ई एफ, डी ई एफ में ये 80 डिग्री, ये 70 डिग्री, ठीक ना, और एक त्रिभुज ये बना है पी क्यू ये आर, ठीक ना। तो ये लिखा है 80 डिग्री, ये दिया है 70, ये 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये दो त्रिभुज हैं। अब देखिए हम इसको पहले ये तीसरी भुज तीसरा कोण ज्ञात कर लेते हैं इसका, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180, है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। रेखागणित में हम रेखागणित में कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम उसका कारण देना होता है कि क्यों हम इसको लिख रहे हैं। अब देखिए D का मान 70 डिग्री दिया है, E का मान 80 डिग्री दिया है, तो F का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 150 हो गया, कोण F बराबर 180, तो F का मान ज्ञात कर लेंगे, 180 माइनस 150 तो ये 30 डिग्री आ गया, है ना। तो इसको हम 30 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, ये रहा 30 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में एक कोण नहीं ज्ञात है तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में लिखेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी प्लस कोण क्यू कितना है 80 डिग्री, ये 30 डिग्री बराबर 180, कोण पी प्लस 8 3 11 बराबर 180, और कोण पी कैसे ज्ञात हो गया, तो देखिए 180 माइनस 110 तो बोलेंगे कितना हो गया, ये 70 डिग्री आ गया। तो इसको भी हम देखिए 70 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये रहा 70 डिग्री। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में देखिए तो कोण देखिए दोनों का बराबर आया, ठीक ना, ये 70 ये 70 ये 80 ये 80 और ये 30 तो ये 30, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना। तो इसमें देखिए कोण ये है 70 डिग्री, डी बराबर पी बराबर ये 70 डिग्री, ठीक ना, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर ये 80 डिग्री। इस प्रकार ये दोनों कोण आपस में बराबर, ई और क्यू बराबर और F R के बराबर, तो लिखेंगे F बराबर R बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार देखिए कोण तीनों बराबर होने के कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्या हो गया ए ए ए समरूपता, समरूपता कसौटी से, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न एक के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं, तो प्रश्न नंबर दो देखते हैं। अब प्रश्न नंबर दो देखिए इसमें क्या लिखा है, आकृति दी हुई है, आकृति बना लेते हैं, ये है ए और सी, ए सी और डी और बी, इसमें ये 70 डिग्री है और ये है ओ, ये 125 डिग्री, ठीक ना। ए भी इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा है दिया है
त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और कोण BOC बराबर 125 डिग्री, ठीक ना, ये दिया हुआ है 125 डिग्री। हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, लिखा है DOC ज्ञात करिए, DCO ज्ञात करिए और OAB ज्ञात करना है, ठीक ना, ये हमको ज्ञात करना है ऐसे। तो हल करते हैं इसको, तो पहले हमको DOC ज्ञात करना है, DOC ये वाला कोण ज्ञात करना है, देखिए एक सीधी रेखा है ये, है ना, लिखेंगे चूंकि DOB एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर देखिए ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश का बन जाता है ना। देखिए एक सीधी रेखा ये है, इसमें कोई भी अगर एक रेखा खींची हो तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, ठीक ना। तो ये हो गया, इसी को भी हम यहाँ लिख लेंगे, तो लिखेंगे कोण DOC है ना, DOC ये वाला कोण, ये वाला लिख लेंगे, ये वाला प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो लिखेंगे यहां रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो ये हो गया। अब हमको DOC ज्ञात करना है, DOC प्लस BOC कितना है, 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे DOC बराबर 180 माइनस 125, ठीक ना। तो 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो हो गया आपका 55। तो DOC कितना आ गया, DOC 55 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो ये वाला हमको 55 डिग्री मिल गया, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 55 डिग्री, ठीक। अब हमको लिखना है DCO ये वाला कोण। तो इस पूरे त्रिभुज में देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में तीन दो कोण तो दे रखा है, तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे 180 में घटाकर। तो लिखेंगे त्रिभुज DOC में कोण और एक दिया होगा इसमें CDO बराबर 70 डिग्री लिखा है, CDO बराबर ये 70 डिग्री है ना, ये वाला 70 डिग्री भी लिखा था। तो लिखेंगे CDO प्लस DOC प्लस, अब लिखेंगे DCO बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है ये? तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो 180 डिग्री होता है। तो CDO कितना है? CDO 70 डिग्री है, 70 डिग्री प्लस DOC अभी 55 डिग्री निकाले हैं, प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। तो इनको जोड़ लेते हैं, 7, 5, 12 125 प्लस DCO बराबर 180 डिग्री। तो 180 पक्षांतर कर लेते हैं उधर, तो लिखते हैं यहां पर कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। तो 180 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री। तो ये हो गया 55 डिग्री। तो डी ये भी हमने ज्ञात कर लिया। अब OAB निकालते हैं, तो OAB अब ये वाला कोण ज्ञात करना है हमको। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है,
है ना, दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है क्या है, डी ओ ओ डी सी बराबर समरूप है ओ बी ए के, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ सी डी, क्या होगा ये समरूप है, इसलिए लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भाग, है ना, संगत भाग मतलब अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इस हिसाब से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हमने निकाला, अभी निकाला डी सी ओ 55 डिग्री, तो इस हिसाब से ओ ए बी भी 55 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारे सभी मान ज्ञात हो गए, तो यहाँ पे या तो अंत में लिख सकते हैं अतः एंगल डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ बराबर 55 डिग्री और ओ ए बी बराबर ये 55 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दो हो गया। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीन में लिखा है ए बी सी डी एक समलंब है, तो प्रश्न नंबर तीन लिखते हैं ए बी सी डी, ये रहा समलंब। समलंब में होता है एक भुजाओं का युग्म समानांतर होता है, तो ये भुजा इसके समानांतर हमने बना लिया और इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो इसमें ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर लिया। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, तो लिखें देखिए क्या दर्शाना है, तो दर्शाना है या सिद्ध करना है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ठीक ना। तो हल करते हैं इसको, तो लिखते हैं उपपत्ति, देखिए इसमें त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो लिखेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे ए ओ बी एवं त्रिभुज ए ओ बी, तो यहाँ लिखेंगे सी ओ डी, लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा ये वाली भुजा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो लाइन समानांतर अगर खींचा हो और इस पर अगर एक तिर्यक रेखा खींची गई हो तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, क्यों होता है, एकांतर अंतः कोण के कारण, ठीक ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, ठीक ना, डी सी ओ ये वाला कोण बराबर हो गया। इसी प्रकार ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये भी दो लाइन समानांतर है, ये तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, तो ये एकांतर अंतः कोण कारण हो जाएगा। इसका पूरा लिख लेते हैं, एकांतर अंतः कोण, तो ये हो गया। फिर इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे ए बी ओ, ए बी ओ बराबर सी डी ओ, देखिए सी डी ओ ये वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से, ठीक ना। और ए ओ बी देखिए ये वाला कोण और सी ओ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ये मतलब ये ईद वाला कोण, तो क्यों हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण के कारण हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर सी ओ डी, क्यों हो जाएगा, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो इस प्रकार ये तीनों कोण बराबर हो गए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, क्यों हो जाएगा, ए ए ए समरूपता कसौटी
ठीक ना, तो ये समरूप हो गया। अगर ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम इसमें देखिए, इसमें हम ओ ए ले रहे हैं तो लिखेंगे ओ ए बटे ओ सी ले लिया बराबर। अब इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे देखिए ओ बी, तो इसके बटे में ओ डी लिख लेंगे, लिखेंगे ओ बी बटे ओ डी, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक ना, तो देखिए हमको ये सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक ना, और इस वाले भुजा में ए बी बटे सी डी भी होगा, तो हमको केवल इन दो भुजाओं का अनुपात ही इससे सिद्ध हो गया, इसलिए हमको तीसरी भुजा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 के लिए आकृति दी हुई है, तो प्रश्न नंबर 4 में आकृति पहले बना लेते हैं। लिखा है देखिए, ये त्रिभुज बना है और इसमें है ये इसका, लिखे टी क्यू आर और पी और एस और ये 2 डी, है ना, 2 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको पहले। देखिए दिया है, तो दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ठीक ना, और एवं एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये दिया हुआ है। हमको क्या दिखाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक ना, ये हमको दिखाना है। तो देखिए लिखते हैं उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले चूंकि हमको क्या दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है। ठीक ना, तो अब देखिए अगर एक कोण और दोनों कोण बराबर हैं इस त्रिभुज में, है ना, इस त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण 2 लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों कोण बराबर हैं। तो बोलते हैं अगर किसी त्रिभुज की, देखिए हम बना देते हैं यहाँ पर, ये रहा पी क्यू आर, अलग करके बना दिया पी क्यू आर, और इसमें कोण ए बराबर कोण 2 दिया हुआ है। तो बोलेंगे देखिए अगर दोनों कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज में तो इनके सामने के भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे कोण ए है तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, पी आर, और इस कोण 2 के सामने वाला भुजा कौन सा है, पी क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए, कोण ए के सामने वाला क्या है, पी आर बराबर कोण 2 के सामने वाला कौन सा है, पी क्यू, तो ये बराबर हो गया। तो अब ये क्यों लिखा, इसको लिखते हैं, कारण भी लिखेंगे, तो लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, तो ये बराबर कर लिया। ठीक ना, अब देखिए इसको एक डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं। अब देखिए ये हमको दिया है तो लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर, एक नहीं डालिए ज़्यादा समीकरण नंबर हो जाएगा, तो क्यू टी बटे पी आर, ठीक ना, ये हमको दिया हुआ है। तो देखिए इस त्रिभुज में ये देखिए क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक ना, फिर लिखा है क्यू टी बटे, देखिए यहाँ पी आर दे रखा था, ठीक ना, तो देखिए हमने पी आर को पी क्यू के बराबर सिद्ध कर दिया है, तो इस पी आर को हटाकर हम पी क्यू लिख सकते हैं, ये लिखना है इसको, ये दिया है इसलिए दिया लिख देते हैं, दिया है। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, ठीक ना, क्यू पी या पी क्यू जो इच्छा हो, तो ये लिख सकते हैं। तो ये ऊपर सिद्ध किया है, चूंकि
पी आर बटे क्यू पी हो गया, ठीक ना। तो ये समीकरण एक डाल लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज जिसको सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक ना। देखिए इन दोनों त्रिभुज में कहाँ है वो देख लेते हैं। पी क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज दिया है और फिर वो बड़ा वाला दिया है टी क्यू आर। तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए, चाहे तो इसको हम अलग से बना सकते हैं, बना के देख लेते हैं एक बार। देखिए ये रहा बड़ा वाला, पहले पी क्यू आर छोटा वाला है ना, तो छोटा वाला पहले बना लेते हैं, यहीं बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, फिर उसके नीचे लिख देंगे, ठीक ना। इसको अलग अलग करके देख लें, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो लिखते हैं ये है, लिखा है पी क्यू एस, ठीक ना। और एक बड़ा वाला ले लेते हैं, ये रहा बड़ा वाला, ये है टी क्यू आर, ठीक ना। तो अब देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसको सिद्ध करना आप लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये दिखा रहा है क्यू आर, कहाँ है क्यू आर, ये रहा क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू एस है ना। तो इस भुजा के बटे में ये करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए पी क्यू लिखा है पहले, पी क्यू आर इस वाले में बात किया है, तो हम इसको उलट के भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू एस बटे क्यू एस बटे क्यू आर, है ना। चाहे इसको आप पूरा पलट दीजिए तब भी वही है, ठीक ना। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखेंगे क्यू पी बटे क्यू टी, ठीक ना। देखिए ये बटे ये और ये बटे ये, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिख रहा है, और देखिए ये कोण बराबर है, है ना, दोनों में है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू बराबर कोण क्यू उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया और ये ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, है ना। तो ये ऊपर देखिए यहाँ सिद्ध किया था, या समीकरण एक से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो समीकरण एक से लिख दीजिए, समीकरण एक से। तो देखिए इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये वाली दोनों और ये दोनों इनका अनुपात ये बटे ये बराबर ये बटे ये है। तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, ये भुजा यूज हुई है, ये कोण यूज हुआ है और ये भुजा। इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, यस ए एस समरूपता कसौटी। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक ना। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो प्रश्न नंबर चार हो गया, अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए देखिए क्या बना है, जैसे से बोल रहा है क्वेश्चन उसे से आकृति बनाएंगे हम। लिखेंगे पी क्यू आर, तो लिख लेते हैं यहां पर, देखिए पी क्यू ये आर, और देखिए लिखा है पी आर और क्यू आर पर कोई बिंदु है, कौन कौन से, यस और टी है। बोला इस प्रकार स्थित है कि कोण पी आर टी एस, आर टी एस है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बोल रहा है, ठीक ना। तो दर्शाना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, कोण पी लिख लेंगे, कोण पी बराबर आर टी एस, और सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर उपपत्ति,
देखिए जो सिद्ध करना है वही त्रिभुज हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में। देखिए क्या है, आर पी क्यू कौन है, आर पी क्यू इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक ना, और आर टी एस, आर टी एस इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो देखिए इसमें तो दे रखा है, पहले ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि मतलब इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में कोण पी आ रहा है, तो लिखेंगे कोण पी बराबर, और ये दे रखा है आर टी एस, है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण पी और इस बड़े छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों बराबर हैं, ये दिया हुआ है, तो लिखते हैं ये दिया है। और इस देखिए इस जब बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तब भी ये कोण आ रहा है, और जब ये छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तब भी ये कोण आ रहा है, तो लिख लेंगे देखिए कोण आर बराबर कोण आर, ये उभयनिष्ठ है, ठीक ना। तो ये हो गया त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, क्यों हो जाएगा ए ए, है ना, भुजा कोण कोण से, है ना, किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, तो ए ए समरूपता कसौटी से, ठीक ना। तो ये हमको ने सिद्ध कर लिया। प्रश्न नंबर 6 के लिए आकृति दे रखी है, इसको आकृति को बना लेते हैं। ये है ए बी सी, ए बी और सी, और इसके बाद ए डी ई, बी को ई से मिलाया हुआ है, डी को सी से मिलाया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए दिया क्या है, दिया है लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना, ये हमको सिद्ध करना है ए डी ई ए बी सी। तो देखिए कैसे सिद्ध करना है, देखिए उपपत्ति, देखिए चूंकि दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ठीक ना। तो देखिए क्या हुआ, ए बी सी कौन सा है, ये ऐसे लिखा है ए बी ई ये और ए सी डी, तो ये ऐसे ए सी और डी, ठीक ना। देखिए इन दोनों का निकाल के हाँ मैंने लिख लिया, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, बोलता है दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर हम इसको ऐसे उठा के इस पर रख दें तो ये पूरी तरह बैठ जाएगा, या इसके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक ना। तो ये कोण ए इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ई डी के बराबर हो जाएगा और बी सी के बराबर होगा। भाई कोण बराबर हैं तभी एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे अच्छी तरह से, और इनकी संगत भुजाएँ बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक ना। तो इसी को हम लिख लेते हैं, देखिए ए बी ई में कहाँ है, ए बी ई में ए ई बराबर ये ए डी हो जाएगा, तो लिखेंगे ए डी, और इसमें लिखेंगे ए ई हो गया, फिर इसमें लिखेंगे ए बी, ए बी बराबर ए सी, ठीक ना। तो ये दोनों होता है क्योंकि सर्वांगसम है, तो लिखेंगे सी पी सी टी, और ये सी पी सी टी है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। इसको समीकरण एक डाल लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए ए बी बराबर, ये ए बी बराबर ए सी है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी, ठीक ना, इसको अदला बदली करके यहाँ लिख लिया है। तो लिखो समीकरण, इसको सेकंड नंबर डाल लेते हैं। अब समीकरण एक को दो से भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए ई
बटे एसी बराबर एडी बटे एबी, ठीक ना। तो ये हो गया, ये हमने सिद्ध किया इसको इतना। अब लिख लेंगे, इसको मिटा लेते हैं, जरूरत नहीं। अब लिखते हैं त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो लिखा है त्रिभुज ए डी ई एवं त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए क्या है, लिखेंगे इसको, देखिए इसमें लिखा है ए डी बटे ए बी लिखा हुआ है ना, ए डी बटे ये छोटे वाले त्रिभुज का और ये बड़े वाले त्रिभुज का। तो लिखेंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, लिखेंगे ए ई बटे ए सी, ठीक ना। ये लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ठीक ना। और इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में बात करें तब भी ये कोण आ रहा है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में बात करें तब भी ये कोण ए आ रहा है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज इस प्रकार ए डी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी, क्यों हो जाएगा यस ए एस। देखिए ये वाला भुजा लिया है तो ये कोण लिया है, ये भुजा लिया है। इसी प्रकार बड़े वाले में ये पूरा कोण, ये पूरा भुजा और ये कोण, ये पूरी भुजा लिया है। तो लिखेंगे समरूप, समरूपता कसौटी से, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हो गया।